खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रिसोरा सीतापुर। आई इंडिया परिवार की ओर से सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता, आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 16 अगस्त को सीतापुर शहर के कई मोहल्लों की बाधित रहेगी बिजली की आपूर्ति। सीतापुर में स्वतंत्रता दिवस की रही धूम, लालबाग शहीद पार्क में मंत्री सुरेश राही ने किया ध्वजारोहण। फिर बात करेंगे कलेक्ट्रेट में डीएम, पुलिस लाइंस में एसपी ने फहराया तिरंगा। खबरनामे के अंत में बात करेंगे पीएम मोदी ने 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को किया संबोधित, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर की तिरंगा यात्रा में 120 मीटर लंबा तिरंगा रहा आकर्षण का केंद्र। डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा ने सीएचसी कसमंडा में ग्रहण किया पदभार। सीएचसी अधीक्षक की नोटिस से अस्पताल संचालकों में हड़कंप, 2 दिनों में मांगा प्रपत्र। सीतापुर की 8 एजेंसियों पर बजाज के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर का हुआ अनावरण। लखीमपुर खीरी में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने स्वाधीनता सेनानी के आश्रितों को किया सम्मान। लखीमपुर शहर के विभिन्न स्थानों से निकाली गई तिरंगा बाइक रैली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से पंच प्रण के पालन का किया आह्वान। अयोध्या में थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठा बंदर, एसओ ने किया सैल्यूट, फोटो वायरल। जनपद से सीतापुर शहर में 16 अगस्त को कई मोहल्लों की विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी। दरअसल सिटी पावर हाउस पर बन रहे फायरवॉल की वजह से सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बिजली की सप्लाई सिविल लाइन, रोटी गोदाम, लालबाग, संतोषी माता मंदिर आदि क्षेत्र में नहीं होगी। विद्युत अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा रोटी गोदाम, ब्रह्मपुरी, एबीडी कॉलोनी, बैजनाथ कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी, जज कॉलोनी, गुरुद्वारा रोड, घंटाघर, आंख अस्पताल रोड, घूरा मंगला, राम सीता मंदिर, असीसी रोड, अंबेडकर नगर, जीआईसी चौराहा, मछली मंडी आदि क्षेत्र में भी बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा इमलिया सुल्तानपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में 120 मीटर लंबा तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। तिरंगा यात्रा में आशा जूनियर हाईस्कूल के छात्र, शिक्षक संध्या पांडे, सौरभ, राजू लखपति शामिल हुए। यात्रा का नेतृत्व आमंत्रित सदस्य ओपी पांडे ने किया। सैगल सिटी मॉन्टेसी जूनियर हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। आराध्या नसरा जोया विदुषी उन्नति दिव्या ने शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य श्वेता शर्मा कैकसा काजमी ने बच्चों को पुरस्कृत कर उत्साह बढ़ाया। पिसावा क्षेत्र से कस्बा वजीरनगर सहित आसपास के सैकड़ों कांवड़िया गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुए। इन कांवड़ियों ने हरदोई से निकली गंगा नदी से जल भरा। कांवड़ यात्रा में नैमिष त्रिवेदी, ललित वर्मा, अरविंद कुमार, रिंकू रस्तोगी, मनोज चतुर्वेदी सहित करीब 200 कांवड़िया शामिल हुए। नैमिषारण्य स्थित प्राचीन बड़ी छावनी आश्रम में परमहंस रामचंद्र दास की पुण्यतिथि मनाई गई। महंत मनमोहन दास ने संतों को भोजन कराया। इससे पहले रामचरितमानस के पाठ का आयोजन किया गया। महंत मनमोहन दास ने बताया कि इस बार 1000 संतों को भोजन कराया गया है। भंडारे में संजय प्रसाद सहित तमाम भक्तों ने सहयोग किया। लहरपुर क्षेत्र में पूर्व सांसद राजेश वर्मा ने हिंदुस्तान पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया। गौरिया झाल में पंप का उद्घाटन करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को काफी मदद मिलेगी। इस मौके पर संचालक देश दीपक भार्गव, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, लहरपुर प्रमुख उमा शंकर वर्मा, पूर्व प्रमुख राम निवास वर्मा, जिला पंचायत सदस्य परमेश्वर भार्गव, अनूप श्रीवास्तव, उत्तम वर्मा, नीरज वर्मा, झल्लर, अरुण कुमार सिंह, निर्मल वर्मा, सुरेश गुप्ता, संजय शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। कस्बा टरिया के जीनियस स्टडी क्लासेस में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रबंधक रवि चौधरी, नीरज कुमार, विकास, तेज प्रताप सिंह, अतुल गोपाल, ज्ञानेंद्र, छात्र छात्राएं व अन्य लोग मौजूद रहे। विद्युत वितरण खंड बिस्वा एवं उपखंड परिसर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। अधिशासी अभियंता संजीव मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर SDO विशाल
SDO हरगांव रामज्ञा, अवर अभियंता आकाश वर्मा, अभिनव शुक्ला, अमरीश कुमार, विजय प्रकाश, राकेश कुमार, जगदीश प्रसाद, रविंद्र कुमार, कामता प्रसाद, रमेश मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के जंगलीनाथ बाबा रथ पर सवार होकर बीती 14 अगस्त को अपनी प्रजा का नगर भ्रमण कर हाल जाना। जंगलीनाथ बाबा महाकाल के स्वरूप में रथ पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ निकले। बाबा के साथ हजारों की संख्या में महाकाल के भक्तों ने शहर में भ्रमण किया। काशी विश्वनाथ से आए अघोरी यात्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। फूलों और गुलाल की वर्षा के साथ महाकाल के बाबा यानी कि जंगलीनाथ बाबा ने पूरा भ्रमण क्षेत्र में किया। आम आदमी पार्टी सीतापुर छात्र इकाई युवा संघर्ष समिति के साथ गांधी पार्क में जिलाध्यक्ष आनंद जायसवाल ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मोहम्मद दिलसाद, मोहम्मद अयान, ईसु शर्मा, मुनिंद कुमार, राजवंशी, दिवाकर राजवंशी, आकाश कनौजिया आदि लोग मौजूद रहे। शादी विवाह वेडिंग फोटोग्राफी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर अटल चौक में पौध वितरण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगरपालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन नेहा अवस्थी और उनके प्रतिनिधि नमेंद्र अवस्थी ने किया। कार्यक्रम में करीब 300 लोगों को पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर अजय कुमार, किरण निर्मला, सत्यम कुमार, अभिषेक, पंकज मिश्रा, अर्जुन सिंह मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा में गुरुवार को अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया। बता दें सीएससी कसमंडा में अधीक्षक रहे डॉक्टर अरविंद वाजपेयी का तबादला सीएससी लहरपुर के लिए हो गया है। रिक्त पद पर डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा की तैनाती की गई है। तहसील सिधौली क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बलोइया में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इंचार्ज प्रधानाध्यापिका कविता जयंत ने प्रधान प्रतिनिधि राजेश कुमार के साथ ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर प्रमिला भास्कर, शिवेंद्र प्रताप सिंह, संदीप कुमार, उर्मिला राजकुमारी, सुनीता आदि लोग मौजूद रहीं। बुधवार को सीतापुर जाते समय योगी सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का कस्बा कमलापुर में भव्य स्वागत किया गया। कस्बा के प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर के सामने भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंत्री को फूलमालाओं से लाद दिया। इस मौके पर रवि तिवारी, आशुतोष मिश्रा, नागेंद्र सिंह, दीपक शुक्ला, अरविंद पांडे, अमर वाजपेयी, राजेंद्र पांडे, भूपेंद्र सिंह, सत्यदेव शुक्ला, प्रदीप मिश्रा, मोहम्मद परवेज, प्रधान महादेव सिंह, अंकित कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। जीआरसी नमिस में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। संचालन समिति अध्यक्ष सुधीर सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर डॉक्टर सागर, अभय चौरसिया, राजीव ओझा, रूपचंद चौरसिया, सुधीर चौधरी, महेंद्र सिंह, संजय रघुराज आदि लोग मौजूद रहे। शिवाजी सेना के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बांग्लादेश इस्लाम का पुतला दहन किया। शिवाजी सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में तख्ता पलटने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। पुतला दहन में राजकिशोर मिश्रा, श्री कृष्ण यादव, आत्माराम वर्मा, किशन वर्मा, रामलोटन वर्मा, जंग बहादुर प्रजापति सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र में संचालित अस्पताल संचालकों के विरुद्ध नोटिस दिए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अवनीश कुमार ने नोटिस देकर संचालकों से 2 कार्य दिवसों के अंदर जरूरी प्रपत्र दिखाने को कहा है। जिन्हें नोटिस जारी की गई है उनमें लखनऊ क्लिनिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर गुरसंडा, लाइफ लाइन हॉस्पिटल कुतुबनगर रोड पिसावा, चांदनी हॉस्पिटल पिसावा, नवजीवन हॉस्पिटल पिसावा, पूनम शाही पाली क्लिनिक एवं जच्चा बच्चा केंद्र मेन बाजार चौराहा पिसावा, जायसवाल हॉस्पिटल मोहली रोड पिसावा, सावित्री पाली क्लिनिक एंड जच्चा बच्चा केंद्र मोहली रोड पिसावा, एनबी हॉस्पिटल नेरी रोड पिसावा, राधिका हॉस्पिटल पिसावा शामिल है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण उनके चाचा कौशल किशोर पांडे, एडीओ पंचायत कसमंडा ब्रह्म नारायण शर्मा ने किया। ब्लॉक कार्यालय पर प्रमुख कसमंडा मुन्नी देवी, बीडीओ रामसरे ने ध्वज फहराया। सीएससी में डॉक्टर मुदित दीक्षित, थाना परिसर में एसओ प्रदीप कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। श्री जवाहर आदर्श संस्कृति महाविद्यालय कमलापुर में ज्ञान दीक्षित राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज में साकिब जमाल अंसारी ने ध्वजारोहण किया। मित्र भवन कसमंडा पैलेस में राज परिवार विद्युत उपकेंद्र पर उपखंड अधिकारी नवीन भास्कर ने तिरंगा फहराया। मिश्रिक कोतवाली परिसर में सीओ राजेश यादव के द्वारा तिरंगा को सलामी दी गई। इस अवसर पर कोतवाल शैलेंद्र श्रीवास्तव, एसएसआई नयन सिंह, एसआई प्रशांत मिश्रा, राधेश्याम सिंह, कस्बा इंचार्ज अखिलेश प्रताप सिंह सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मोहली तहसील परिसर में एसडीएम अभिनव यादव ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर प्रभारी तहसीलदार महेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार शिव प्रकाश यादव, लेखपाल अनीश द्विवेदी, संदीप गिरी, कमल वर्मा मौजूद रहे। ब्लॉक मुख्यालय पर बीडीओ प्रतीक सिंह ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में ऋषि के शुक्ला, सिद्धार्थ सिंह की उपस्थिति रही। बजाज द्वारा बनाए गए चेतक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर का अनावरण सीतापुर की 8 एजेंसियों पर किया गया। कृष्ण बजाज एजेंसी कसरेला के प्रोप्राइटर राहुल सिंह ने बताया कि बजाज द्वारा पूर्व में चल रहे चेतक स्कूटर की तरह इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बनाया गया है। यह स्कूटर 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और लगभग 130 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। नगर खैराबाद में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता उर्फ बबलू गुप्ता व अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता के नेतृत्व में 15 अगस्त को विशाल तिरंगा यात्रा शांति नगर
मछेटा रोड से निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा को पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मेहरोत्रा व पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा का शांति नगर से प्रारंभ होकर मछेटा रोड चौराहा होते हुए खैराबाद के विभिन्न मोहल्लों में नगर भ्रमण के बाद MJ गोल्डन पैलेस पर समापन हुआ। इस यात्रा में भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री अनूप विश्वकर्मा, खैराबाद के 25 वार्डो के सभासद आलोक वाजपेयी, यूसुफ खान, शकील खान, मुरसलीन जावेद, राकेश गुप्ता, जहीर विष्णु, जफरिया बेग, हरचंद, सफाई इंस्पेक्टर मनोज राणा, खैराबाद युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अंशु मिश्रा, कुलदीप जायसवाल, संतोष जायसवाल सहित हजारों की संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। महमूदाबाद के विभिन्न कॉलेजों में स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सभासद उमेश वर्मा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया। शेखपुर के बिलौली बाजार स्थित बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज में बिलौली बाजार के प्रधान दिनेश पाठक ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छात्रों द्वारा विभिन्न मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर ओम प्रकाश वर्मा, शशि सिंह, नीरज जैन, हरि शरण लाल वर्मा, प्रदीप कुमार, बदरूराम वर्मा, उमा शंकर पाठक, राहुल वर्मा, पूजा वर्मा, राजेश वर्मा, अभिषेक कुमार वर्मा, आलोक वर्मा, मरियम रिजवी, लाइबा रिजवी, ज्योति वर्मा सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में आयोजित कार्यक्रम में SP चक्रेश मिश्र ने जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस के सभी जवानों को गृह मंत्रालय भारत सरकार के सेवा पदक से नवाजा है। इसी क्रम में कमलापुर थाने पर तैनात SO प्रदीप कुमार सिंह को भी पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्र ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। उनके इस सम्मान से कमलापुर थाने के समस्त स्टाफ में खुशी की लहर दिखाई दी। सीतापुर जिले के डालमिया भारत फाउंडेशन के दीक्षा कौशल प्रशिक्षण केंद्र में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया एवं फेलिसिटेशन सेरेमनी भी मनाई गई। इस कार्यक्रम में ग्रीनफील्ड डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक सिंह बादल मुख्य अतिथि तथा इलाहाबाद बैंक ट्रेनिंग सेंटर के पूर्व निदेशक कमलेश पांडे, दीक्षा डालमिया भारत फाउंडेशन के मैनेजर विमल त्रिपाठी, दीपिका नाग, राहुल कुमार विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अतिथियों ने पिछले साल प्रशिक्षण प्राप्त कर नौकरी कर रहे 4 छात्रों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अरुणोदय शुक्ला, विक्रम कुमार, विकास कुमार, सुधाकर पांडे, विनीत द्विवेदी आदि लोग उपस्थित रहे। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने लालबाग स्थित शहीद स्मारक पर दीप प्रज्वलित तथा माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद स्तंभ पर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, DM अभिषेक आनंद आदि ने पुष्प चक्र अर्पित किया। इसके उपरांत शहीद स्मारक के सामने ध्वजारोहण कर सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया गया। इसके साथ ही पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रधुन का वादन भी किया गया। कारागार राज्य मंत्री ने स्कूली बच्चों एवं पुलिस बैंड की टीम को पुरस्कार प्रदान किए। इसके साथ ही स्वच्छता मित्रों की तिरंगा रैली का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र, अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह, नगर पालिका परिषद सीतापुर के चेयरमैन नेहा अवस्थी, नगर पालिका सीतापुर के EO वैभव त्रिपाठी सहित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया। इसके बाद DM अभिषेक आनंद, ADM नीतीश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपा। प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर की छात्रा शिवांगी ने देशभक्ति पर शायरी प्रस्तुत की। कलेक्ट्रेट सभागार में सेवानिवृत्त अपर जिला बचत अधिकारी विपिन चंद्र शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। पुलिस लाइन्स में SP चक्रेश मिश्र ने ध्वजारोहण किया और विभाग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखनऊ पब्लिक स्कूल की लखीमपुर शाखा में स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। तिरंगे का ध्वजारोहण विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय सचदेवा ने किया। ध्वजारोहण के बाद विद्यालय के बच्चों ने मार्च पास्ट किया और इसके बाद मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन कर छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विजय सचदेवा ने सभी हाउस बैरियर के बैजेस भी दिए। लखीमपुर के कस्बा मितौली में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केदार सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज में ध्वजारोहण के बाद छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर नरेंद्र सिंह, विद्यालय प्रबंधक विजय सिंह सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखीमपुर जनपद में जबरदस्त उत्साह के साथ जगह जगह तिरंगा रैली निकाली गई। रैली के दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मुस्तैद रही। इसके साथ जिले में हर घर, प्रतिष्ठान, समाजसेवी संस्था, कार्यालय, कचहरी आदि पर झंडा सभी ने तिरंगा शान से लहराता हुआ नजर आया और जनपद में स्वतंत्रता दिवस का पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया।
लखीमपुर के MCH ओयल अस्पताल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने झंडारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद चिकित्सकों ने कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या की घटना के विरोध में प्रोटेस्ट किया और न्याय की मांग की। लखीमपुर के हाथीपुर बक्सा मार्केट में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले अमर शहीदों के परिवार वालों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अंग्रेजी शासक विलोबी की गर्दन धड़ से अलग करने वाले नसीरुद्दीन मौजी के पोते अजहर हुसैन और गंगाधर वाजपेयी की पुत्रवधु को माला पहनाकर और उन्हीं के हाथों ध्वजारोहण करवाकर सम्मानित किया गया। गुरुवार को पलिया से भाजपा विधायक रोमी सहनी ने सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग से मिलकर बाढ़ से संबंधित शारदा नदी की डिस्टल्टिंग की मांग करते हुए पत्र सौंपा। पत्र में विधायक रोमी सहनी ने बताया कि शारदा नदी के दोनों ओर तटबंध और डिस्टल्टिंग न होने के कारण बाढ़ के पानी से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और कई गाँव डूब जाते हैं। इस स्थिति में लोग पलायन करके सड़कों पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। पत्र में विधायक ने बताया कि पलिया का जिला मुख्यालय संपर्क टूट जाने और सड़क मार्ग भीरा से पलिया NH मार्ग पर बाढ़ का पानी आ जाने से आवागमन बाधित है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट परिसर में DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी को संबोधित किया। ध्वजारोहण के बाद DM ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने जिला अस्पताल में मरीजों के साथ तमाम गरीब और असहाय लोगों को फल वितरित किए। लखीमपुर में ईसा नगर के स्कूल कॉलेज ब्लॉक से लेकर थानों में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान में शामिल होकर क्षेत्रवासियों ने तिरंगे को सलामी दी और आज़ादी का जश्न मनाया। इस दौरान खमरिया थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक उपाध्याय, ईसा नगर थाना अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गंगवार ने अपने थाने पर ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महरिया के सीताराम पब्लिक इंटर कॉलेज महरिया में क्षेत्रीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने प्रधानाचार्य श्रीराम मनवार व प्रबंधक प्रेम सागर वर्मा के साथ ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लखीमपुर के रेहुआ में स्थित श्रीमती कलावती पब्लिक इंटर कॉलेज में कक्षा 10 की टॉपर छात्रा अंशवी श्रीवास्तव के पिता दीपक श्रीवास्तव से ध्वजारोहण कराया। समारोह में प्रबंधक जगजोत सिंह ने कक्षा 1 से 12 तक के मेधावी छात्रों को पुरस्कार वितरित किया। इसके अलावा बसड़िया के मनोज पब्लिक स्कूल खमरिया के आदर्श सरस्वती ज्ञान मंदिर में ध्वजारोहण किया। इसके अलावा कंपोजिट स्कूल दिलावलपुर, लाखुन, दुर्गापुर, पड़री, नारीबेहड़, सरावल, पोखरा, लोकाही, मल्लापुर, सिरसी, परका, फतेहपुर समेत अन्य स्कूल व कॉलेजों में प्रभात फेरी निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखीमपुर की DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने समाज कल्याण विभाग से वित्त पोषित वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों से कुशलता जानी और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने वृद्धजनों की आवश्यकताओं का परीक्षण किया और जरूरी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान ADM संजय कुमार सिंह, SDM अश्वनी कुमार सिंह, तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह, DSWO राम जन्म मुख्य रूप से मौजूद रहे। लखीमपुर शहर के विभिन्न स्थानों से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। तिरंगा बाइक रैली का एकत्रीकरण भाजपा के संसदीय कार्यालय जिला सहकारी बैंक के परिसर में हुआ। तिरंगा बाइक रैली की शुरुआत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने पैदल चलकर की। यह तिरंगा यात्रा विलोबी मेमोरियल हॉल से राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, इमली चौराहा, मेला मैदान चौराहा, संकटा देवी, राजगढ़, बरखेरवा, LRP चौराहा, राजापुर चौराहा, सौजन्या चौराहा, गुरु गोविंद सिंह चौराहा, हीरालाल, धर्मशाला, श्रीराम चौराहा, हमदर्द दवाखाना होते हुए जिला पंचायत परिसर लखीमपुर में संपन्न हुई। इस तिरंगा बाइक रैली में सदर विधायक योगेश वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, विनीत मनार, संतोष कुमार, विनोद मिश्रा, राम पांडे, ज्ञान वाजपेयी, पवन गुप्ता, जितेंद्र त्रिपाठी, अमरीश सिंह, संजय मिश्रा, अनिल यादव, आनंद वर्मा, अशोक अवस्थी सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर PM मोदी ने 11वीं बार लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराकर राष्ट्र को करीब 1 घंटे 41 मिनट तक संबोधित किया। अपने तीसरे कार्यकाल के पहले संबोधन के साथ ही PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पीछे छोड़ते हुए जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अपने संबोधन में PM मोदी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध, भ्रष्टाचार, न्यायिक प्रणाली में सुधार, बांग्लादेश के हालात समेत कई मुद्दों पर बात की। PM मोदी ने अपने संबोधन में अगले 5 वर्षों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए 75,000 नई सीटें सृजित करने की घोषणा की। PM मोदी ने अपने भाषण में वन नेशन वन इलेक्शन और समान नागरिक संहिता का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि अब देश की मांग है कि देश में सेक्युलर सिविल कोड हो। इसके अलावा PM मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत में आ रही गिरावट पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं और ऐसी कृषि पद्धतियों के लिए बजट में आवंटन भी बढ़ाया गया है।
78वें स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से पंच प्रण का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बताए गए पंच प्रण से हमें जुड़ना होगा। इन पंच प्रण में आखिरी प्रण नागरिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है, जिसका हमें निर्वहन प्राथमिकता के आधार पर करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो कोई कारण नहीं कि वर्ष 2047 तक हम विकसित राष्ट्र न बन सके। यही भाव हमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाएगा। ध्वजारोहण के बाद सीएम योगी ने अपने संबोधन में प्रदेश के युवाओं के लिए नई योजना युवा उद्यमी विकास अभियान की घोषणा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को अगले कुछ वर्षों में जॉब के लिए तैयार किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि इस योजना के तहत नौकरी की जगह उद्यम के लिए इच्छुक युवाओं को लाभ मिलेगा। 10 लाख MSME इकाइयों के गठन के लिए सरकार कार्य करेगी और इसके जरिए 50 लाख रोजगार के नव अवसर भी बनाए जाएंगे। नवाबों के शहर लखनऊ में 25 अगस्त को नेशनल एक्सीलेंट अवार्ड्स के भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल मौजूद रहेंगी। इस अवार्ड शो का आयोजन सहेली फाउंडेशन द्वारा गोल्डन ब्लॉसम होटल में किया जा रहा है। संस्थापक अनिल यादव ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। रामनगरी अयोध्या में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई। अयोध्या में थाना राम जन्मभूमि के प्रभारी देवेंद्र पांडे ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हनुमान जी के प्रतीक के रूप में कार्यालय पहुंचे बंदर को सलामी दी। बंदर बकायदा थाना राम जन्मभूमि प्रभारी की कुर्सी पर बैठा हुआ था और वे उसे सलामी देते नजर आए। यह फोटो काफी वायरल है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। बताया जाता है कि चौकी इंचार्ज देवेंद्र पांडे और इस बंदर के बीच अनोखी दोस्ती है। जब भी देवेंद्र पांडे अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो यह बंदर ऑफिस खोलने के साथ ही अंदर आ जाता है। इसके बाद थोड़ी देर ऑफिस में बैठने के बाद चला जाता है। बंदर और थानेदार की दोस्ती चर्चा में है। हालांकि अब यह मामला गर्माता नजर आ रहा है। कुछ लोग इसे अपमान के तौर पर भी देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के समारोह के बाद लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सीटिंग अरेंजमेंट पर विवाद खड़ा हो गया। रायबरेली सांसद राहुल गांधी को पीछे की लाइन में बिठाया गया था, जिस पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा, रक्षा मंत्रालय इतना खराब व्यवहार क्यों कर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चौथी कतार में बैठाया गया। नेता प्रतिपक्ष का पद किसी भी केंद्रीय मंत्री से बड़ा होता है। हालांकि राहुल गांधी के सीटिंग पोजीशन पर रक्षा मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा है कि आगे की लाइन हॉकी खिलाड़ियों के लिए अलॉट की गई थी, जिसकी वजह से राहुल गांधी को पीछे बैठना पड़ा। बता दें, राहुल गांधी के पीछे दो और लाइंस थी जिस पर कुछ मेहमान बैठे थे। यह था आज का खबरनामा, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा सीतापुर।